हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? एक बार फिर से हम सभी का स्वागत करते हैं अपनी क्लास में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर रखा था अपना सेकंड चैप्टर धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना भूआकृति के अनुसार हमने पूरे भारत को 6 भागों में बांटा था। सबसे पहला था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। सेकंड नंबर पे था उत्तर भारत के विशाल मैदान। थर्ड पे था प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ पे था भारतीय मरुस्थल। फिफ्थ पे थे तटीय मैदान। सिक्स्थ पे थे द्वीप समूह है। इनमें से भूआकृति प्रदेशों को 6 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रखा था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। हमारा चैप्टर का नाम है धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना में हम पढ़ रहे थे भूआकृति प्रदेश। भूआकृति प्रदेश में पहला प्रदेश था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। पर्वतमालाएं ये हमारे भूआकृति प्रदेश का नाम था जिसको हमने स्टार्ट कर रखा था। उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हमारे पास था हिमालय। हिमालय का हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया था। भौगोलिक विभाजन जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिवीजन, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में स्टडी कर लिया था। उसके बारे में हमने क्या क्या किया था, जो हमारा होता है 3 तह में हिमालय, वरत हिमालय, वरत के बाद में मध्यम हिमालय, मध्य के बाद में शिवालिक हिमालय, और इस साइड में क्या आएंगे, पूर्वांचल पूर्वी हिमालय। ये थे हमने भौगोलिक विभाजन किए थे हिमालय के, वरत मध्य और शिवालिक। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का सेकंड पार्ट, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। आज हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन कैसे होता है कि भाई एक प्रदेश में किस प्रकार से हिमालय के कितने भाग है, और एक ही प्रदेश में हिमालय जितना आता है उसका वर्णन करना प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। प्रादेशिक विभाजन के अनुरूप हमने हिमालय को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। पहला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। सेकंड आता है इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय। प्रादेशिक विभाजन में सेकंड पार्ट में किया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय। थर्ड में है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ये कौन सा है, इसमें थर्ड पार्ट है। फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश हिमालय, ये हम इसका फोर्थ पार्ट है। फिर लास्ट में है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, पहाड़ियां ही लिख देते हैं इसको। प्रादेशिक रूप में हिमालय को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब हम इसको प्रादेशिक रूप में बांटेंगे। ये कौन सी नदी है हमारी, सिंधु नदी। सिंधु नदी से रावी नदी के बीच में जो हमारा हिमालय आता है उसको जम्मू एंड कश्मीर हिमालय बोलते हैं। किसके बीच में, सिंधु नदी से रावी नदी के बीच में जो हिमालय आएगा उसको हम बोलेंगे जम्मू और कश्मीर हिमालय। रावी नदी से काली नदी के बीच में, कौन सी नदी है ये, रावी नदी से काली नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कौन सा होगा, जो रावी नदी से काली नदी के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय।
काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में होगा उसको बोलेंगे हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। कहां से कहां तक होगा ये? काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय होगा उसको हम बोलेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। और इसके बाद में रहता है हमारा अरुणाचल प्रदेश हिमालय। अरुणाचल प्रदेश हिमालय कहां से होगा? यह भूटान हिमालय से लेकर डिफू दर्रेस तक फैला है। कहां से कहां तक? भूटान हिमालय से लेकर डिफू दर्रा तक फैला है, यह होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश हिमालय। इसके बाद में जो पूर्व की ओर लंबी फैली होगी पहाड़ियां वो पूर्वांचल हिमालय में आएंगी। अब हम इनका एक एक करके बारी बारी से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके बारे में स्टूडेंट आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इजी सा टॉपिक है। ये देख लिया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहले आएगा जम्मू और कश्मीर हिमालय। जम्मू और कश्मीर हिमालय के हमने बारे में सबसे पहले एक लाइन तो लिखी रखी है, जम्मू कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर रावी नदी तक विस्तृत है। सिंधु नदी से रावी नदी तक विस्तृत है। इसमें हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं आ जाती है, वरत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों जो जम्मू कश्मीर में फैले हैं उनका विस्तार इसमें बता रखा है। इसमें कई प्रकार की झीलें हैं, जैसे वुल्लर लेक, डल लेक, सोमुरारी लेक, पोंगांगसो, ये क्या है? दो तीन लेक है जो कहाँ पे मिलती है? जम्मू कश्मीर हिमालय में। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो इंडिया की केटू गाडविन आस्टिन है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, केटू गाडविन ऑस्टिन, जो पाक अधिकृत पीओके में है, सबसे ऊंची चोटी वो भी यहीं पे है। इसमें रक्कापोसी जो 8000 रक्कापोसी और नंगा पर्वत जिस पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है, नंगा पर्वत बोलते हैं उसको, ये भी कहाँ पे है? ये भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा कश्मीर हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। पर्वत श्रेणियां मतलब पर्वतों की एक श्रेणी है, जिनमें क्या है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के ग्लेशियर भी मिलते हैं, जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, ग्लेशियर हिमनद बोलते हैं जिसको, जैसे बिस्पर, बिफाओ, बाल्टोरा और सियाचिन। ये क्या है? कई ग्लेशियर है जो मिलते हैं कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में इसके अलावा कई दर्रे भी मिलते हैं, जैसे कौन कौन से दर्रे हैं इसमें? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, खारदुंगला, ये जो दर्रे हैं ये इसमें मिलते हैं कश्मीर हिमालय में। इसके अलावा सोमुरूरी लेक है, ये आप देख लेना थोड़ी बुक से। और इसके अंदर कश्मीर घाटी के अंदर करेवा भी मिलता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई कई अलग क्वेश्चन पेपर में। करेवा मिलता है जम्मू कश्मीर में, जो किससे बनता है? ग्लेशियर के डिपोजिशन से, मतलब जो निक्षेप करते हैं ग्लेशियर अपने साथ, हिमनद अपने साथ मिट्टी बनाता है, उसी को हम करेवा बोलते हैं। करेवा किसके लिए जाना जाता है? जाफरान के लिए।
इसमें किसकी खेती होती है? जाफरान की। जाफरान क्या होता है? केसर। केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। करेवा क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है जो किससे बनती है? ग्लेशियर मतलब हिमनद के डिपोजिशन से, हिमनद के निक्षेपण से बनती है ये करेवा। सिर्फ कश्मीर में मिलती है ये, जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। इसके अलावा कश्मीर हिमालय में कई प्रकार की जो नदियाँ में निकलती है, इसमें से मुख्य नदियाँ आ जाएगी सिंधु, झेलम, चिनाब। इससे तीन नदियाँ भी निकलती है कश्मीर हिमालय से, सिंधु, झेलम और चिनाब। तीन नदियाँ भी आती हैं यहाँ से, कहाँ से? इसी एरिया से, सिंधु और रावी के बीच की हम बात कर रहे हैं। तीन नदियों का जाल बिछा हुआ है। इसमें दो लेक है, डल लेक, उल्लर लेक। इसके साथ दो लेक और है, सोमुरारी लेक, पेंगोंग सो लेक। जो हमारी थ्री इडियट मूवी हुई थी वो पेंगोंग सो लेक इसी के नज़दीक में बनी हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पे कई तीर्थ स्थान भी है, अमरनाथ की गुफा, और अमरनाथ की गुफा के अलावा और कौन कौन से तीर्थ स्थान है भाई यहाँ पे? वैष्णो देवी। ये क्या है? यहाँ पे तीर्थ स्थान है जो देखने के लिए, घूमने के लिए बने हुए हैं। बस कश्मीर हिमालय के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, मोटे तौर पे हमें इतना ही याद करना है कश्मीर हिमालय के बारे में। सिंधु से रावी के बीच में है कश्मीर हिमालय, और ये वुल्लर लेक, डल लेक, सोमुरारी लेक, केटू, गाडविन, आस्टिन, रक्का, पोसी, नंगा पर्वत, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंची माउंटेन चोटियां हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये इसमें ग्लेशियर मिलते हैं, ये इसमें दर्रे मिलते हैं। इसके बारे में हमें इतना ही बताना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में। सेकंड हमारा पॉइंट है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, रावी से तीस्ता नदी के बीच में इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? रावी नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इस हिमालय का विस्तार है। जो इसमें मध्य हिमालय है, इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय को, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में जानते हैं धौलाधार नाम से, और इसको उत्तराखंड में जानते हैं नागटिब्बा नाम से। जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, उनको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। किस किस के बीच में? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, उनको पश्चिम में बोलते हैं दून, और पूर्व में इनको द्वार बोलते हैं। जैसे देहरादून, पोटली दून, कोथली दून और द्वार हरिद्वार, ये क्या है? दून और द्वार के उदाहरण हैं। जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं घाटियां, उनको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहती हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है, इसमें कौन कौन सी नदियां फ्लो करती है? झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां तो ऊपर में थी, इसके अंदर करती हैं सतलुज, रावी, रावी, ब्यास, सतलुज, तीन नदियां ये, और इसके अलावा गंगा और यमुना नदी, ये फ्लो करती हैं कहां से? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय से। और जो शिवालिक हिमालय है, ब्रिटेन काल में यहाँ पे पर्यटन स्थल को विकसित किया गया था। इसके लिए यहाँ पे शिमला, मंसूरी, नैनीताल,
ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गए थे। और यहाँ पे ये जो ठंडे इलाके हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जनजाति भी पाई जाती है, जिन जनजाति का नाम है भोटिया। भोटिया ये जनजाति क्या करती है, माइग्रेट करती है। अगर सर्दी का मौसम हो तो ये ऊपर से पहाड़ियों के चोटियों से नीचे की तरफ माइग्रेशन कर जाएगी। अगर नीचे गर्मी अधिक हो तो वो निचले इलाकों से ऊपर की ओर चली जाएगी। कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, भोटिया जनजाति पाई जाती है। कौन से हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। और यहाँ पे अपने सुंदरता के लिए विख्यात है। यहाँ पे कई हिमनदियाँ, झीलें हैं, फूलों की घाटी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ धार्मिक स्थल भी है यहाँ पे। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, त्रिशूल आदि प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। तो आज हम सिर्फ दो ही हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। अगर इसमें से कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।